हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आप इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए जो डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, इसका मतलब है कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो वो मैं लेवल्स देता हूं, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो सब देता हूं, बट लाइव मार्केट में जो अपडेट होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और अगर लिंक ना काम कर रही हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस, ये स्पेलिंग दे रखी है, आप इसको सर्च करिए और आप इसको जो है कि ज्वाइन जरूर करिए। ओके, आपको मेरा फॉर्मेट पता है, प्री मार्केट में मैं सबसे पहले डेटा और चार्ट इन दोनों को डिस्कस करता हूं। तो डेटा को देख ले तो अगले वीक के लिए ऑप्शन चयन, अब ऑप्शन चयन 13 अप्रैल का हम देखेंगे क्योंकि हमारी अगली एक्सपायरी जो है 13 अप्रैल की है। जो लोग नए हैं उनके लिए भी समझा दूं, देखो जो ग्रीन कलर का ये डंडा होता है ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो रेड कलर का डंडा होता है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पे नीचे की साइड अगर ग्रीन कलर का डंडा है तो मतलब कॉल एग्जिट हुआ है, और अगर नीचे की साइड रेड का डंडा है तो मतलब पुट एग्जिट हुआ है, और ऊपर की साइड रेड बड़ा है या फिर ग्रीन बड़ा है तो इसका मतलब एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि 17,600 पे जो रेड सॉरी जो ग्रीन कलर का डंडा है वो बड़ा है, तो इसका मतलब हम 17,600 को रेजिस्टेंस मानेंगे। ओके, ये चीज याद रखिए। और हमारा ये जो यहाँ पे देखिए पुट में मतलब 17,500 पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, डंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है रेड कलर वाला, इसका मतलब है कि हमारा मार्केट जो है ये सपोर्ट यहाँ पे ले लेगा। तो पुट का डंडा बड़ा है मतलब रेड वाला डंडा बड़ा है तो इसका मतलब सपोर्ट, और ग्रीन डंडा है मतलब कॉल वाला बड़ा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस। तो 17,500 सपोर्ट, 17,600 रेजिस्टेंस। अब बोलो सर जी इतनी छोटी सी रेंज, यस, यहाँ से आपको एक लर्निंग मिलेगी, इसको जरूर लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, और आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हो तो डायरी लेकर के बैठो, उसमें नोट बना लो। आप अगर एक महीने तक वीडियो देख लोगे ना तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट प्लेटफॉर्म मतलब मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, और आप एक अपना यहाँ पे खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे देखो जो OI है वो ज्यादा है, यहाँ पे भी देखो दोनों साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है, और यहाँ पे नजदीक में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट जो है ऑप्शन चेन से ये पता चल रहा है कि हमारा मार्केट साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है, तो मतलब अगला दिन हमारा कैसा जाएगा, साइडवेज जाएगा, ये चीज आप मान के चलिए। लेकिन अगर कहीं 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 अगर जो आपका है कि OI एग्जिट होने लगे मतलब कि शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाए तो फिर मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग हो जाएगा। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, अगर मार्केट ऊपर जाने पर यह कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए तो मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाने के टाइम पे 17,500 का पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए तो मार्केट हमारा नीचे जाएगा। तो ये हम प्लान करके चल देंगे, तो आपको कल इस तरीके से देखना है। ओके, अब हम डेटा समझ लिए, हमने रेंज पता चल गई, भाई रेंज क्या है, 17,500 17,600 है, 17,600 पे तो मार्केट बैठा हुआ है। हमें ये देखना है कि कल मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये OI में क्या चेंज हो रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे OI में क्या चेंज हो रहा है हमें ये देखना है। अब आप कैसे देखोगे, तो देखो दो लोग नए ना तो ये 15 मिनट का थोड़ा डिले होता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ कि मैं मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, उसको भी आप यहाँ पे जरूर ज्वाइन करिए फ्री में अगर चाहिए तो, बट आप अगर चाहो तो ये 15 मिनट का डिले होता है, आप इसका पेड प्लान ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको लेना भी चाहिए। अगर आप नए हो तो, अगर आप एक्सपर्ट हो तब आपको लेना चाहिए, नए हो तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आप सिंपली 9:45 पे आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे चूंकि 15 मिनट डिले है तो 45-50 मिनट पे आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप एक अपना प्लान बना सकते हो। ओके, चलिए अब हम चार्ट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट हमारा बुलिश है, मैंने आपको बता दिया था कि भाई मार्केट हमारा बुलिश है, मैंने इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो भी बना दिया था, भाई मार्केट बुलिश है हमें तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, और वहां से आपने कंटिन्यू 2 दिन की रैली देखी होगी, आपने अगर स्ट्रेटजी बना करके भी खेला होगा, बुल स्पीड भी बना दिया होगा, तब भी आपका पैसा बन गया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो 15 मिनट का मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, कैश मार्केट का चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पे देखिए ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया और फिर नीचे गया, ये अब थोड़ा सा साइडवेज, अगर ये साइडवेज होकर के नीचे गया और इस रेंज को तोड़ दिया जो कि है 17,550, 17,550 को अगर ये नीचे चला आया, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली डिमांड जोन भी यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इसमें कंफर्मेशन किस तरीके से लेंगे, ये एडवांस लेवल में बता रहा हूँ, एडवांस प्राइस सेक्शन की मैं इसे बता रहा हूँ, आई थिंक मैं अपने किसी न किसी वीडियो में कुछ ना कुछ एडवांस जरूर बता देता हूँ, तो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आता होगा, और ये सब पेड कोर्सेज में सिखाए जाते हैं, आप इसको याद रखो, एडवांस प्राइस सेक्शन आपको पेड कोर्सेज में सिखाए जाते हैं, यहाँ पे आपको फ्री में पता चलता है। बाय द वे, आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी जो अगली बैच है वो 10 अप्रैल यानी कल से ही चालू हो रही है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए तुरंत, फीस 5,000 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, इसका
पूरी डिटेल मैंने इस अपने क्लासेस में क्या क्या सीखा था उसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बना रखा है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। और इसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये कोर्स में क्या सिखाओगे, तो इसके अलावा आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका अगर डाउट सॉल्व हो जाए तो आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, कल से शुरू हो रही है, तो आप इसको कल रात को 8 बजे तक ज्वाइन कर सकते हो, तो आप यहाँ पे सीखे काफी कुछ लेने मिलेगी। अब यहाँ पे प्राइस सेक्शन में बता दूं भाई साइकोलॉजी क्या है एडवांस वाली, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, चूंकि यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है हमें, डिमांड मतलब कि एक बार प्राइस नीचे आई, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो ये डिमांड बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये प्लान करना है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाने पे हम यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो ये रेंज छोटी है, 40 पॉइंट की रेंज है, तो यहाँ पे हमें उतना प्ले नहीं मिलेगा। सो बेटर ये है कि हम इसमें तब प्ले करें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना करके, अगर ये सही जा रहा है तब, अदरवाइज हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये भी याद रखो यहाँ पे कोई एडवांस ये नहीं है कि आप इसको ट्रेड करोगे, मतलब ये कंफर्म उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में डिमांड बना हुआ है, यहाँ पे आपको एक रेंज मिल रही है कि भाई ये टूटेगा तो नीचे जा सकता है, बट तुरंत नीचे डिमांड है, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। ओके, अब हम इसको चलते हैं आगे, समझते हैं कि कैसे करेंगे। सो सिंपली अगर हमारा मार्केट ऊपर गया और 17,550 के नीचे गया, तो हम यहाँ पे 480 तक का एक ट्रेड ले सकते हैं, मतलब 500 तक का, ये तो 40-50 पॉइंट का एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। और इस रेंज में आने के बाद जो कि आपका शुरू हो रहा है, यहाँ आप मैं बताता हूँ, ये है 515 से 500 तक। सो 515 से 500 तक आप यहाँ पे एक बार अगर बाइंग का रिवर्सन मिलेगा तो आप यहाँ पे बाइंग करिएगा। अब मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ, देखो जो लोग नए हैं ना, तो आप सेलिंग मत करिए, आप बेटर है कि यहाँ पे आने पे बाइंग का प्लान करिए, समझ गए? तो ये सेलिंग रहने दो, चूंकि स्कैल्प आप नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे बाइंग का ही प्लान रखो। मैं आपको नॉर्मल था, चूंकि सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आप उसको चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। तो सिंपली मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं उसको अवॉइड करेंगे, जो एक्सपर्ट है वही छोटा सा 10 पॉइंट का या 5 पॉइंट का वहां पे ट्रेड मिल सकता है, बट उसको आप मत करिए। नए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली जो रेंज है आपका 515 से लेकर 510, यहाँ पे मार्केट आए तो आप बाइंग के रिवर्सल पे बाई करोगे। बाइंग का रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पे देखो आपका एक नॉर्मल कैंडल बनेगा, उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो इसी एरिया में आने के बाद अगर बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो आप बाई करोगे, आपका जो पहला टारगेट होगा 610 का हो जाएगा और अगला टारगेट जो हो जाएगा 640 का हो जाएगा। तो सिंपली आपको बाइंग करना है, आप वो सेलिंग वाला रख दो, इस एरिया में आने के बाद आपको बाइंग करना है। ओके, अब हम आगे बताते हैं सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है। सेकेंड हाफ में अगर ये ऐसे ही घूमता रहा हायर हाई बना, मतलब ऊपर अगर हाई बनने लगा तो फिर आप ब्रेकआउट का ट्रेड करोगे, अगला जब हाई बनेगा तो आप वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड करोगे। लेकिन अगर ये ऐसे लोअर लोस बनने लगा, नीचे जाने लगा, तो फिर आप जो है कि यहाँ पे जो एक लो दूसरा लो बनेगा, दूसरे लो के बाद जब वो टूट जाएगा तो आप वहां पे सेलिंग भी कर सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चूंकि प्राइस सेक्शन में समझा रहा हूँ, तो ये सब आपको मैं अपने यहाँ पे समझा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर राइट टाइम पे एंट्री होगी तो मैं उसको दे दूंगा, चूंकि यहाँ पे लेवल्स उतने खास परफेक्ट लेवल निकल के नहीं आ रहे, दरअसल भाई मैं आपको ये प्राइस से समझा रहा हूँ कि आप उसमें ट्रेड कर सकते हो वो बने तो, अदरवाइज आप जो है कि बेटर ये, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन भी दिखा दिया कि मार्केट जो है आपका वो साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है। सो बेटर ये है कि आप अगर कल चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो छोटा छोटा, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर वेट करिए या फिर इस रेंज के आने के बाद बाई करिए, और ऊपर अगर आपका जो है कि यहाँ पे ऊपर हायर हाई बने देन उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो, और अगर यही लोअर लोस बनना शुरू हो जाए तो आप ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हो। ये दो चीज मतलब तीन चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा लेवल दे दूँ। अब देखो चूंकि आरबीआई के गवर्नर साहब ने रेट को जो अनचेंज कर रखा है, मतलब आरबीआई ने हमारा रेट को अनचेंज कर रखा है, सो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव चीज है। ओके, तो अच्छा लोन बुक भी काफी अच्छा बढ़ा है, 17% आई थिंक, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है, 17% आई गेस 17% से ज्यादा लोन बुक बढ़ा हुआ है। तो लोन बुक बढ़ने का मतलब है कि उनका इनकम बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, और यहाँ पे आरबीआई ने जो है कि उसके ऊपर बर्डन भी नहीं डाला है, मतलब रेट को चेंज नहीं मतलब बढ़ाया नहीं, तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो बैंकिंग सेक्टर हमारा बुलिश है, तो हम इसमें क्या प्लान करेंगे, हम इसमें बाइंग करेंगे, ये हमारा लेवल होगा जो कि है 41,160 के ऊपर अगर मार्केट चला गया और 5 मिनट की अगर क्लोजिंग हो गई तो आप उसके बाद बाई करोगे। लेकिन बाई कैसे करोगे, ऐसे ही मेरा सेटअप आपको याद है ना, ऊपर गया फिर ब्रेकआउट होगा तब, तो आप इसके ऊपर जाने दोगे, क्लोज होने दोगे, नीचे आने दोगे, फिर जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब आप यहां पे बाई करोगे, क्योंकि वो कंफर्म हो जाता है कि आपका ये बुलिश ट्रेड बनेगा, तो आपका 41,160 के ऊपर बाई होगा।
अब यहाँ पे बाई द डिप भी होगा, तो बाई द डिप आपको यहाँ पे पता है क्लियर कट यहाँ पे देखिए कब का बना हुआ है। सो अगर मार्केट आपका जो है कि इस रेंज में जो कि है 40,900 से लेकर के ये है 48, अरे बाप रे 100 पॉइंट का रेंज है, यस कोई बात नहीं, तो 100 पॉइंट के रेंज मतलब 900 से लेकर के 800 के रेंज में आने पे अगर बाइंग का रिवर्सल मिले तो 5 मिनट के चार्ट पे आप बाइंग का रिवर्सल देख करके आप यहाँ पे बाई भी करोगे और आपका पहला टारगेट ऊपर यही 160 का हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप बाई करोगे, यहाँ पे बाइंग का रिवर्सल करोगे, सेलिंग का फिलहाल आप रहने दो, क्यों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ओके, अगर फिलहाल मुझे कल इंट्राडे में, चूंकि होने को कुछ भी हो सकता है, इंट्राडे में डेटा मुझे एकदम से नेगेटिव दिखेगा, नई पोजीशंस बनेंगी, तो मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी के लिए आप इसको मत करिए। अच्छा, यहाँ पे एक चांस देखो मुझे दिखाई दे रहा है, पॉइंट है, देखो 15 मिनट पर आप अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पड़ने का पैटर्न बना है, बट ये बनेगा तो ही, अदरवाइज नहीं। कल क्या होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने एकदम क्लियर कट अपडेट करूंगा। सो फिलहाल आप जो है कि इस तरह से ट्रेड करिए। तो बाइंग का मैंने आपको सेटअप बता दिया, यहाँ पे बाइंग करोगे, सेलिंग का आप थोड़ा सा रहने दीजिए। अगर ये पैटर्न बन गया, इसका कंफर्मेशन आ गया, वहां पे डेटा नेगेटिव होगा, तब मैं आपको शॉर्ट सेलिंग बोलूंगा, अदरवाइज आप रहने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, पैसा जरूर बनता है बट आप डिसिप्लिन अपने अंदर रखो। सो अभी के लिए ये एनालिसिस है, मतलब आप अगर इसको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लासेस ज्वाइन करने तो आप उसको ज्वाइन करिए। Thank you and wishing you all the best.